A very good morning to one and all. Today, essay number 580 करेंगे, written representation. And ये भी बहुत important topic है, इस पर भी questions आ जाते हैं, but इस पर questions छोटा essay है, तो इस पर questions भी एक दो बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते. So let's start. So essay number 580, ये आपका deal कितना करता है ऑडिटर की responsibility से. ऑडिटर की responsibility है कि obtain करे written representation, किससे, वो management से. कौन प्रोवाइड कर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्टेन करना, ऑडिटर की, ताकि ताकि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कर सके. क्या, सो रिटन रिप्रेजेंटेशन ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं होता, इट इज अ जस्ट एडिशनल एविडेंस. ठीक है, तो पढ़ते हैं. रिटन रिप्रेजेंटेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट टू द ऑडिटर टू कन्फर्म सर्टेन ऑडिट मैटर्स एंड टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस. पक्का समझ आया? जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है, दे जस्ट प्रोवाइड अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दे जस्ट प्रोवाइड अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, बट दे डो नॉट प्रोवाइड अ, बट दे डो नॉट प्रोवाइड अ, डो नॉट प्रोवाइड अ कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस. अगर आप ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखोगे, की वर्ड्स लिखोगे, तो आपको जोर नंबर मिलेंगे. ठीक है, ठीक है. कॉरेबोरेटिव ऑडिट एविडेंस, दे जस्ट प्रोवाइड अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बट दे डू नॉट प्रोवाइड अ कॉरेबोरेटिव ऑडिट एविडेंस. ऑडिटर शैल ऑल्सो सीक द कॉरेबोरेटिव ऑडिट एविडेंस, ताकि वो ओपिनियन ढंग से ले सके एंड ठीक है, और कंक्लूजन भी अच्छा ड्रॉ कर सके. So, इसलिए बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन अभी आई थिंक नवंबर 18 में भी ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, कि रिटन रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस होता है, ऐसी कुछ काइंड ऑफ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर आपको यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स ओनली. आपको यही चीज़ लिखनी थी कि दे जस्ट नेसेसरी, दे जस्ट प्रोवाइड अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दे डू नॉट प्रोवाइड अ कॉरेबोरेटिव ऑडिट एविडेंस, इट इज़ अ जस्ट एडिशनल एविडेंस, इट इज जस्ट अ एडिशनल एविडेंस, इट इज जस्ट अ एडिशनल एविडेंस, मतलब इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ substitute for other audit evidence. Substitute for other audit evidence. आपको बस यही वर्ड्स लिखने थे आपको आंसर्स में, और यही आपका एक पहला क्वेश्चन बनता है, कि एक जैसे एक क्वेश्चन आता है और पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, कि अगर एक ऑडिटर को सर्टेन मशीनरी कि एग्जिस्टेंस चेक करनी थी, पर वो चेक नहीं कर पा रहा था, उसने सिर्फ मैनेजमेंट से पूछ लिया कि क्या आपकी मशीन एग्जिस्ट करती है नहीं करती, उसने बोला हाँ करती है, उसे रिटन रिप्रेजेंटेशन दे रही, बट ऑडिटर उस पर, ऑडिटर को उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, उसे अपनी प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करना चाहिए था, उसको कन्फर्म करना चाहिए कि हाँ सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं, उस पर उसे रिलाई नहीं करना चाहिए था. क्या ऑडिटर इज राइट इन दिस अप्रोच? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन दिस इज प्रोवाइड अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दे डू नॉट प्रोवाइड अ कॉरेबोरेटिव ऑडिट एविडेंस. क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, अगर वर्ड ऐसे यूज करते हो नंबर मिल जाएंगे. इट इज जस्ट एडिशनल एविडेंस, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिट अदर ऑडिट एविडेंस. इज इट क्लियर? ओके, ऑब्वियसली एक और टॉपिक है, बट बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, क्या ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्वियसली उसको ऑब्टेन करना, उसको ऑब्टेन करना, एक सेकेंड, हाँ उसको ऑब्टेन करना, सपोर्ट करना एंड रिस्पॉन्ड करना. ऑब्टेन मतलब ऑब्वियसली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट और TCWG से, ठीक है, एंड सपोर्ट करना अदर, ये तो हमने पढ़ ली पड़े था, टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस एंड टू रिस्पॉन्ड द एप्रोप्रिएटली, क्या, टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय अ
मैनेजमेंट और TCWG। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है, ऑप्टेन करना, सपोर्ट करना एंड रिस्पॉन्ड करना, ठीक है पक्का। उसमें बोला एक और चीज़ बोलते हैं कि बहुत छोटा सा ऐसे है, छोटी छोटी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है शेल बी, वर्ड पकड़ो, शेल बी, आपने लॉ में पढ़ा होगा ऐसी चीज़ें जनरल मीटिंग में आई थिंक, तो शेल बी इन नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, प्रैक्टिकेबल प्रैक्टिकेबल टू, ठीक है, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ, आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन दिस ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या आपका जो रेट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है आपकी शेल बी नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, आपकी आ जाना चाहिए, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पक्का समझ आ रहा है। देखो देखो जैसे आपने एसए नंबर 500 में पढ़ा था कि ऑडिट एविडेंस जो ऑप्टेन करे कभी कभी वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, या हमें उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आई मीन उसमें ऑडिट एविडेंस पे डाउट करते हैं कि वो रिलायबल है, ऑब्वियसली जो जरूरी थोड़ा कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है या TCWG प्रोवाइड कर रहा है हमेशा रिलायबल होंगे, ठीक है, या वो हमेशा कंसिस्टेंट होंगे अगर हम किसी और से ऑप्टेन करें। तो इसमें बोला है हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो प्रोवाइड की है वो भी कभी कभी हमें इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं या क्या डाउट होता है, ऑब्वियसली उस मैटर रिजॉल्व करने के लिए यू शुड हैव टू कंसिडर योर मैटर्स ऑन द ओपिनियन, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आती है पेपर में, पर ठीक है नॉर्मली आप एक एज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स आती है, ठीक है, इसमें एक कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनता। इसमें एक को सेपरेट क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, ऑब्वियसली हम मैनेजमेंट को कहा जा रहा है कि अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करो, बट दे डू नॉट प्रोवाइड, रिक्वेस्ट करा जा रहा है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करो बट दे डू नॉट प्रोवाइड, ऑब्वियसली इट मे अलर्ट द ऑडिटर कि भाई कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इश्यूज़ है, जब तो वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए वो क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। वन मोर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ चुका है, इवैल्यूएट करेगा द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, इवैल्यूएट करेगा, कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, ठीक है, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा एंड ही शुड कंसिडर ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो, क्या वो अपने मैटर्स को ऑडिट रिपोर्ट में भी कंसिडर करेगा, इस मैटर को ऑडिटर रिपोर्ट में भी कंसिडर करेगा। तो ये आपको ये तीन चीज़ करने, इवैल्यूएट करेगा इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, अप्रूव्ड एक्शंस लेगा और ही विल कंसिडर इस मैटर इन इस ऑडिटर रिपोर्ट। तो ऑब्वियसली अच्छा वो सफिशिएंट है, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि नॉर्मल एक जनरल बेसिक है, अगर वो सफिशिएंट एंड अगर आपका वो ऑब्टेन नहीं करा एक ऑडिट एविडेंस को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, ऑब्वियसली वो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देगा, ये तो हमने पढ़ा था ना, तो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देगा, ठीक है। ये छोटा सा ऐसे है यहाँ पर, इसमें एक दो चीज़ें भी है, अगर मैं अगर बोलूँ जैसे कि अगर कोई इफ अ मैनेजमेंट मेक्स विद अ पब्लिक स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कंसिडर इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है, दिस मैटर शल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये छोटा सा ऐसे है अगर मैं बात करूँ तो, बहुत छोटा सा ऐसे एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ चुका है इसलिए। तो अभी तो वैसे पेपर में आई थिंक 230 आया था, ठीक है, पर पिछले आई थिंक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में आया था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की बात करेंगे, उसको और अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सो इस चैप्टर में आपका, इस एसे में आपका यही है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट टू द ऑडिटर, ठीक है, to the auditor to confirm certain matters and to support other audit evidence, and if they don't provide a corroborative audit evidence it is just an additional evidence, it cannot be considered as a substitute for other audit evidence, is it clear, समझ आ रहा है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस आपको पढ़ना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टेन करना, सपोर्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, एंड अगर आपकी डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है शिल बी आर नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, एंड अगर वो रिक्वेस्ट अगर वो करे जा रहा है मैनेजमेंट को दे दे तो वो नहीं कर, तो इट मे अलर्ट द ऑडिटर दैट दे मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इशूज, ठीक है, ये आपका है। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए, बाय बाय।
टेक केयर।